दोस्तों लाडली बहना आवास योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है कि लाडली बहनों को आवास योजना का पैसा कब दिया जाएगा, पहली किस्त की राशि कितनी आएगी, साथ ही इनका फाइनल लिस्ट भी जारी हो चुका है। जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सरकारी योजनाओं की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया है और सभी महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि कब उनके खाते में सीएम मोहन यादव कब पहली किस्त की राशि भेजेंगे। दोस्तों लाडली बहना आवास योजना का वेरिफिकेशन लगभग यहां पर खत्म हो चुका है कि किन के पास पक्का मकान है और किन के पास कच्चा मकान है, और सरकार ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक नोटिफिकेशन पोस्ट को भी जारी किया गया है, जो की देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन पोस्ट में बताया गया है लाडली बहनों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का आवास, और यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि 1,00,00,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है लाडली बहना आवास योजना के लिए, लेकिन उसमें से करीब 4.75 लाख लाडली बहनों को ही मिलेगा आवास, यानी कि केवल 4,75,000 महिलाओं को ही पहले चरण में लाभ दिया जाएगा, उनके बाद दूसरे चरण में उन सभी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने बताया कि पात्र बहनों को मिलेगी 2,00,000 की आर्थिक मदद, यानी कि इस योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए, पक्के मकान बनाने के लिए 2,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही यहां पर बताया कि लाडली बहनों को आवास योजना की राशि डायरेक्ट बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त 1,50,000 रुपए आ सकते हैं, फिर आप पक्के मकान बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त की राशि कब मिल सकती है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त की राशि वो आप लोगों को इसी माह फरवरी के लास्ट मंथ में आ सकता है, या फिर आप लोगों को मार्च माह में मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर के अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को फरवरी के लास्ट मंथ या फिर मार्च महीने में मिल सकती है। साथ ही इनको लेकर के एक फाइनल लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, और इस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम है, किन किन लोगों को पहली किस्त की राशि मिलने वाली है, वो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। यानी कि ऐसे परिवार जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप से रिजेक्ट हो गए हो, यानी कि आपने पहले पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया था लेकिन किन्हीं कारणवश अगर आपका रिजेक्ट हो गया है और आपने लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो आपको इस योजना का लाभ जरूर दिया जाएगा, और अगर आपने आवेदन किया है तो लिस्ट में भी आपका नाम जरूर आया होगा। लिस्ट में अपना नाम कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही बताया गया कि ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हो उनको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है, उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही यहां पर बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है, जो 2 से अधिक कमरों वाले कच्चे मकान में रहते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है, या ऐसे परिवार जिनके परिवार में सदस्य आयकर दाता नहीं है, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की जमीन है, वे भी इसमें पात्र होंगे। ऐसे परिवार जिनके पास 4 पहिया वाहन है और परिवार में कोई सशक्त सेवा में है, तो उसे इस योजना से पात्र नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आवास योजना का लाभ लेने के लिए ये सभी पात्रताएं रखी गई है, और जब आपने यहाँ पर आवेदन किया होगा तो कुछ इस टाइप का आपने फॉर्म भरा होगा और आपको एक पावती भी जरूर दिया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना की सूची में आप अपना नाम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लाडली बहना आवास योजना का भी लिस्ट देख पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन मेनू का ऑप्शन मिलता है, इस मेन मेनू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर स्टेक होल्डर्स का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है IAYPMAYG बेनिफिशियरी, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो सिंपली आप अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिख जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे यहाँ पर एडवांस सर्च का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुनना है कि आपका यहाँ पर कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर मैं चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश को सिलेक्ट कर लिया है। देन आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताना है कि इनमें से आपका यहाँ पर कौन
कौन सा जिला है। तो चलिए मैं यहाँ पर जिला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ब्लॉक पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पंचायत का नाम खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आपका जो भी पंचायत होगा अपने पंचायत का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको स्कीम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको योजना का नाम सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है, 2023 और 24 देखने को मिलेगा आपको, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने नीचे पूरी लिस्ट यहाँ पर खुल करके आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी आईडी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी का नाम देखने को मिलेगा, फादर हस्बैंड का नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका बीपीएल नंबर देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए, हाउस का स्टेटस, सेक्शन नंबर एंड अमाउंट रिलीजेड आरएस। जैसे आपका यहाँ पर पैसा आ जाता है तो यहाँ पर आपको हाउस का स्टेटस एंड सेक्शन नंबर भी देखने को मिल जाएगा। जो भी राशि आएगी वो यहाँ पर आपको अमाउंट रिलीजेज में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम ढूंढना है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो 100% आपको लाडली बहना आवास योजना का पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कई सारे पेजेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक पंचायत में एक लोगों का तो नाम होगा नहीं, काफी सारे लोगों का नाम होता है, तो ये चेक करने के लिए 10 पेजेस दिए गए हैं। आपको एक एक करके यहाँ पर जब पेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इस लिस्ट में आपको अपना नाम ढूंढना है। दोस्तों अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो आप लोग हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका नाम है या फिर नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। नहीं पता है तो लिस्ट से आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, वहां से आप इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन सबमिट वाले ऑप्शन पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका लिस्ट में या फिर आपका पोर्टल पर नाम रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।